उमा भारती भोपाल में थी, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हमने एमपी के चुनावों में बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं इस बारे में भी सवाल किया, सुनिए उनको। आखिरी घड़ी तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं जीत आसान है शिवराज जी के लिए, कमलनाथ की कोई चांस नहीं? भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत बहुत आसान है। मोदी का नेतृत्व है, हमारी सरकार के किए गए सत्कर्म है। अभी अभी हमने शराबबंदी की, महिलाओं को हमने, जो गरीब परिवारों की महिलाएं, उनका जेब खर्च हमने दिया, ये सब चीजों का लोगों पर प्रभाव पड़ा है। और मैं आपको फिर कहूंगी जो बात मैं एनडीटीवी के माध्यम से कह रही हूँ, ये क्या हो गया है कि ऐसा हम सोचने लगे हैं, हमसे ऐसा सवाल किया जाने लगा है कि क्या आप सरकार बना रहे हैं? 3.5 साल पहले तो ऐसा नहीं था। बस यही चीज को ठीक करना है कि क्या खामी है हमारे अंदर कि हमें भी ऐसा लगने लगा कि हम वैसी व्यवस्था तो कैसे ठीक होगा, और इम्प्रेशन भी हमारा ऐसा हो गया। आपने कहा कि बीजेपी के जीत के पूरे चांसेस हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? सिटिंग सीएम है वो। मेरे को कैसे मालूम है कि क्या होगा, क्योंकि ये सारे फैसले विधायक लोग करते हैं, उनसे परामर्श करके केंद्रीय संसदीय दल करता है, सब लोग मिलकर के बातें तय करते हैं, पब्लिक ये बातें तय करती है। मैं मसीहा कैसे बन सकती हूँ, और ना मैं भविष्यवेत्ता हूँ, मुझे तो ये सब बातें नहीं मालूम। मेरी तो एक ही इच्छा है कि यहाँ भाजपा की सरकार हो और मोदी जी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहें।